हेलो माय लवली पीपल, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल लेट्स डीआईवाई विद केतकी। तो आई नो आप सब लोग बिजी हो, हम सब बिजी है दिवाली डेकोर में, और इसके लिए मैं आपके लाई हूँ यहाँ पे चार बहुत ही यूनिक डीआईवाई डेकोर एलिमेंट्स। और इस आइटम्स को बनाने के लिए आपको लगेंगे वेस्ट मटेरियल, तो ये सस्ते में मस्त वाला जो डीआईवाई होता है वैसा ही फिर से बनेगा। तो आप इसे बनाइए, होम डेकोर में ऐड कीजिए, दिवाली डेकोरेशन में ऐड कीजिए, या सिंपली इसे बना के आपके नियर एंड लव्ड वंस को गिफ्ट कीजिए। तो सबसे पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट डीआईवाई। यहाँ मैं ले रही हूँ फेविक्रिल मोल्डेड, ये आता है रेजिन एंड हार्डनर में। तो इसके इक्वल प्रोपोर्शन आपको लेना है और इसका एक ऐसा आटा गूंदना है आपको, तो जितना चाहिए एट अ टाइम उतना ही यूज़ कीजिए, अदरवाइज़ वो वेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ये देखिए बॉल बनाया है, उसे अपनी उंगलियों से ही मैं स्प्रेड करूँगी। इसके जो एजेस है इसे हम थोड़ा सा पतला रखेंगे। तो बेसिकली मैं यहाँ बनाने वाली हूँ पॉपी फ्लावर्स, तो बहुत ही ईजी है ये। तो देखिए एक छोटा बड़ा सर्कल ले लिया, अब ये छोटा सर्कल ले रही हूँ, एंड यहाँ पे है मैंने एक एल्यूमिनियम वायर लिया है जिससे थोड़ा सा इस तरह मैं टर्न करूँगी, एक एंगल दे देंगे। और जो हमारे पेटल का जो बीच वाला मोटा हिस्सा है वहाँ पे फेविकॉल लगा के हम इसे इंसर्ट कर देंगे। तो दिस विल एक्ट एज द स्टेम फॉर द फ्लावर, एंड फेविकॉल से ही हम ये जो छोटा वाला पेटल का पार्ट है इसे भी ऐड कर देंगे। तो आपके पास क्ले टूल है या फिर कोई भी पेन पेंसिल्स की बैक साइड से भी आप इसे थोड़ा सा प्रेस कर दीजिए, एंड इन पेटल्स को आप एजेस से उठा दीजिए। यहाँ पे मैंने और एक बॉल अटैच किया है, एंड लाइकवाइज आई हैव मेड फ्यू फ्लावर्स एट अ टाइम। तो आप क्या ना थोड़ा सा सूखने दीजिए इस क्ले को, क्योंकि ये फ्लैट हो गए हैं तो इसे हमें धीरे धीरे से ऊपर उठाना है। तो जब फ्रेश होता है ये क्ले तो ये बहुत पतला होता है, एंड थोड़ा सा ड्राई होगा तो इट इज़ मोर मैनेजेबल। तो जैसे हमारे ये फ्लावर्स रेडी है, मैंने उसी तरह यहाँ पे इनके बर्ड्स भी बनाए हैं। तो इन बर्ड्स को मैंने यहाँ पे इस क्ले टूल से यहाँ पे थोड़ा सा शेप दे दिया है, इसे हम सूखने देंगे, एंड देन हम यहाँ पे कवर करने वाले इन सबको अच्छी तरह से जैसो के साथ। तो जैसो लगाने के बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये फैब्रिका का बहुत ही प्यारा सा पिंक कलर, एंड हम पूरे हमारे जो पॉपी फ्लावर्स है उन्हें पेंट कर देंगे। साथ ही में जो हमारे बर्ड्स है उसे मैंने यहाँ पे नियॉन ग्रीन और थोड़ा सा लाइट ग्रीन शेड देके पेंट किया है, उनके स्टेम्स को भी लाइट ग्रीन देके पेंट कर दिया है। तो हमारा पॉपी फ्लावर एज इट इज़ रेडी है, आप इसे ऐसे ही रख सकते हो, यू कैन मेक इट इन डिफरेंट कलर्स एज वेल। बट ये दिवाली है ना, तो इसलिए मैं यहाँ लगा रही हूँ एक थोड़ा सा गोल्डन कलर इनके एजेस पे, एंड सी हाउ शिमरी दे आर लुकिंग नाउ। थोड़ा सा फेस्टिव डेकोर के लिए बन रहा है ये डीआईवाई। बाद में मैंने लिया है यहाँ पे थर्मोकॉल का टुकड़ा, और इन टुकड़ों को मैंने थोड़ा सा अटैच करके फेविकॉल के साथ यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर शेप दिया है। नेक्स्ट मैंने लिया है ये हमारा वॉशिंग स्क्रब, और इसे फेविकॉल की हेल्प से मैं यहाँ पे टॉप पे लगाऊंगी, एंड जो एक्स्ट्रा एजेस है हम इसे काट देंगे। तो ये थोड़ा सा ग्रास का ग्रीन इफेक्ट देगा, एंड देन विद द हेल्प ऑफ फेवी बॉन्ड मैं यहाँ पे ये जो जूट का एक लेस था उसे लगा रही हूँ। तो आई एम कीपिंग द बेस वेरी वेरी सिंपल बिकॉज द हाईलाइट ऑफ दिस डीआईवाई आर दीज पॉपी फ्लावर्स। तो आप जैसे भी चाहो इसके बेस को डेकोरेट कर सकते हो, एंड हियर इट इज़। तो सिंपल जो हमारी एल्यूमिनियम वायर है उसे पोक कर दीजिए अंदर, एंड अवर टॉल एंड ब्यूटिफुल पॉपी फ्लावर्स आर रेडी फॉर द डेकोर। तो बहुत ही इजी कॉस्ट इफ़ेक्टिव डीआईवाई है ये, बहुत फटाफट भी बन जाएगा। यू कैन मेक दिस पॉपी फ्लावर्स इन विच एवर कलर यू विश टू मेक, एंड देखिए बहुत फटाफट ये बन गया है। तो यू कैन यूज़ इट एज अ सेंटर पीस फॉर योर सेंटर टेबल, या फिर आप इसे बनाइए बहुत प्यारा और आप आपके फ्रेंड्स को भी गिफ्ट कर सकते हैं। कैसे लगा ये क्विक डीआईवाई मुझे ज़रूर बताइए, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए नेक्स्ट डीआईवाई की तरफ चलते हैं। यहाँ मैंने लिया है ये वेस्ट शैम्पू बॉटल, तो ये बेसिकली मैं यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ ट्राइबल फेस, और हम एक ट्राइबल फेस मास्क बनाने वाले हैं, बट येस इट इज़ गोइंग टू बी लिटिल डिफरेंट एंड यू विल सी इट सून। तो यहाँ मैंने फिर से लिया है ये एयर ड्राई क्ले, और जैसे मैंने आँख आईब्रोज नोज और जो लिप्स ड्रॉ किए थे उनको मैं यहाँ पे क्ले के छोटे छोटे टुकड़े लेके उनका शेप दे के यहाँ फेविकॉल की हेल्प से पेस्ट कर रही हूँ। तो ऐसे ही आपको इसे पेस्ट करते जाना है। तो मैं यहाँ बना रही हूँ हमारे महाराजा, और इनके साथ मैंने महारानी भी बनाई है। तो ये है हमारी महारानी, इनके बालों को थोड़ा सा मैं यहाँ बना रही हूँ, साथ में इस क्ले टूल को लेके मैं यहाँ पे लिप्स को भी थोड़ा सा टेक्सचर दे रही हूँ। आप
चाहे तो एक सेफ्टी पिन ले सकते हैं या फिर टूथपिक ले सकते हैं। एंड इसके बाद इनकी छोटी सी नाक पे हम यहाँ पे नथनी भी बिठाएंगे। तो ऑल दीज यू हैव टू पेस्ट विथ फेविकॉल। यहाँ मैंने थोड़ा सा स्ट्रॉ के साथ भी थोड़ा सा डिज़ाइन बना दिया है। एंड दीज आर रेडी टू गिव अ वाइट वॉश जो हम यहाँ पे जेसो लगाएंगे। तो आप जब भी कोई प्लास्टिक पे पेंट कर रहे हो तो डू कीप इन माइंड दैट यू हैव टू अप्लाई जेसो और प्राइमर, देन ओनली आपके जो भी कलर्स है उस पर अच्छे से स्टिक हो जाएंगे। तो यहाँ मैंने लिया है गोल्डन येलो कलर एंड हम महाराजा के फेस को यहाँ पे पेंट कर रहे हैं। मेक श्योर जो भी डीप क्रीजेस है आप उसमें अच्छे से पेंट कर दीजिए। नेक्स्ट मैंने हमारी महारानी को थोड़ा सा पीच कलर ऐड करके एक लाइटर कॉम्प्लेक्शन दिया है एंड शी इज़ लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल। और यहाँ पे मैंने इनको महाराजा को क्राउन बनाने के लिए थोड़े से ये प्लास्टिक वाले स्ट्रॉज लिए हैं। दीज वेर वेरी वेरी ओल्ड एंड ये मुझे सफाई करते टाइम मिले तो मैंने उसे यहीं पे यूज़ कर लिया है। देन हम इसके क्राउन को थोड़ा सा एक शेप दे देंगे यहाँ पे एंड देन आई एम पेंटिंग इट रेड। तो आप जो भी कलर कॉम्बिनेशन चाहे वैसे आप इसे पेंट कर सकते हो। जस्ट कीप इन माइंड दैट दिस इज़ अ ट्राइबल फेस मास्क, तो थोड़ा सा ये बोल्ड कलर्स में भी आता है। एंड जैसे हम महाराजा को पेंट कर रहे हैं उसी तरह हमने यहाँ पे महारानी को भी पेंट कर दिया है। सो कितने प्यारे लग रहे हैं ना, ये लग रहे हैं ना जैसे कि बंगाली नए दूल्हा दुल्हन है, तो थोड़ा सा वैसा कुछ बन गया है ये। और इन्हें थोड़ा रॉयल टच देने के लिए मैं यहाँ मिरर्स का यूज़ करने वाली हूँ। तो मिरर से हम महाराजा के क्राउन को डेकोरेट करेंगे एंड कुछ सीक्वेंस से हम महारानी को डेकोरेट करेंगे। तो यहाँ पे महारानी की थोड़ी ज्वेलरी भी हमने बना दी है छोटे छोटे मिरर्स के साथ में। तो बनते बनते ना हमारा महाराजा और हमारी महारानी है ना, वो बंगाली ब्यूटीज़ जो होते हैं ना वैसे उनका लुक आया है। तो हम इसे सील करेंगे वार्निश के साथ एंड थोड़ा सा हम इसे जुदा करते हैं क्योंकि हम बनाएंगे अभी इनका बेस। तो यहाँ लिया है मैंने ये कार्डबोर्ड का पीसेस और इसे मैं कवर करने वाली हूँ। यहाँ पे एक मेरे पास पॉलिश है टील कलर का, तो ये बच गया था मेरा टेबल जब मैं बना रही थी उसमें से। तो इससे हम कपड़े से यहाँ लगाएंगे। तो ये थोड़ा सूख जाने के बाद मैंने थोड़ा वाटरी कंसिस्टेंसी में ब्लैक का शेड भी यहाँ पे दे दिया है एंड सिंपल मैं यहाँ पे फ्री हैंड यहाँ पे पेंटिंग कर रही हूँ। तो बेसिकली हम यहाँ ट्राइबल की कुछ डिज़ाइन और पैटर्न्स बना रहे हैं। आप चाहे तो जैसे भी आपके मन में जो डिज़ाइन आती है आप वैसे बनाइए। एंड दिस इज़ एक्चुअली लुकिंग लाइक अ ब्यूटिफुल वुडन प्लैंक एंड इट इज़ सॉल्विंग माई पर्पज़ राइट। तो ये बहुत सुंदर बन गया है। और आ गया है हमारा महाराजा और महारानी। तो इन्हें अभी हम प्लेस करेंगे हमारे इस ब्यूटीफुल कार्डबोर्ड वुडन प्लैंक पे। तो यहाँ बॉर्डर भी दे सकते हो कोई लेस लगा के, बट मुझे इसकी ज़रूरत नहीं लगी। इट इज़ लुकिंग एज इट इज़ ब्यूटीफुल। एंड इसे मैंने पीछे जूट रोप के साथ में ये हैंगर बना दिए हैं। और जो हमारी जो महारानी है उसका जो बैक है वो बहुत फ्लैट है, तो फेविबॉन्ड की हेल्प से ये अच्छे से यहाँ पे ऑटोमेटिकली पेस्ट हो गया। बट एज आवर महाराजा इज़ लिटिल हेफ्टी ड्यू टू द मिरर एंड एवरीथिंग, मैंने उन्हें यहाँ पे क्ले की हेल्प से पेस्ट कर दिया है। तो दिस इज़ आवर महाराजा एंड टडा गाइज, जस्ट लुक एट दिस पीस ऑफ डेकोर। ये एक ब्यूटिफुल सा वॉल हैंगिंग है, यू कैन एड इट टू योर होम डेकोर। आप इसको आपके होम एंट्रेंस पे लगा सकते हो या फिर जैसे मैंने बालकनी में लगाया है आप उस तरह लगा सकते हो। यू कैन हैंग इट ऑन योर पैसेज वे। तो इट इज़ जस्ट एडिंग अ ब्यूटिफुल चार्म, अ वेरी रिच एंड एथनिक लुक। पसंद आया है तो ज़रूर कॉमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। सो लेट्स गो टू आवर थर्ड DIY। यहाँ पे मैंने लिया है ये टेराकोटा प्लेट जो कि एक बिरयानी हांडी की कवर बोल के आई थी। तो इस लिड को मैंने अच्छे से साफ़ किया है एंड यहाँ पे पर्शियन ब्लू कलर लगा दिया है, तो थोड़ा गीला है। और साथ में यहाँ पे मैंने लिया है क्ले और यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है गणपति नेट से रेफरेंस में। तो मैं इसे डायरेक्टली यहाँ पे ड्रॉ करूँगी। आप चाहे तो इसे येलो कार्बन की हेल्प से ट्रेस भी कर सकते हो। तो आइडिया कुछ नहीं है, सिंपल जो आप जो भी फिगरिन यहाँ पे ड्रॉ करते हो तो उसको आप क्ले के साथ यहाँ पे उसको आउटलाइन कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्ले का एक इवन रोल कर लिया है एंड आपको थोड़े थोड़े टुकड़े लेके इसे यहाँ पे फेविकॉल के साथ में पेस्ट करते जाना है। तो मैंने पहले थोड़ा सा लगा के देखा एंड देन येस इट वॉज़ परफेक्ट फॉर द साइज़ ऑफ द डिज़ाइन, और तब मैंने यहाँ पर उसे पेस्ट करना शुरू किया।
तो अगर कुछ थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो जाए तो आप क्ले टूल की हेल्प से उसे यहाँ पे सुधार सकते हो, नो वरीज एट ऑल। तो धीरे धीरे हमारे जो ओम शेप के गणपति बाप्पा है ये आकार ले रहे थे, तो मुझे आइडिया आई कि आप जो भी आप डिवोटी फॉलो करते हो आप उनके शेप यहाँ पे ड्रॉ करके आप इसे बना सकते हो, राइट। तो ये भी एक काफ़ी अच्छी आइडिया है। और फिर मैंने यहाँ पे बाउंड्री दे दी है अगेन क्ले के साथ, और क्ले टूल के साथ मैंने उसे भी थोड़ा सा यहाँ शेप दे दिया है। और फिर बाद में मैंने गणपति बाप्पा को वाइट एक्रेलिक पेंट से पेंट भी कर दिया। तो जब मैं ये बता रही हूँ मुझे आइडिया आ रही थी कि यार इसे अलग अलग कॉम्बिनेशंस में हम लोग ट्राई कर सकते हैं। जैसे जो ये फिगरिन है इसे आप मल्टी कलर रख सकते हो, या फिर आप बैकग्राउंड को येलो कलर रख दीजिए उसके ऊपर रेड कलर का फिगरिन, या फिर ब्रिक रेड रख दीजिए उसके ऊपर वाइट कलर का फिगरिन। तो जो भी आपको सूट करे, आप जो चाहे उस तरह से आप कलर कॉम्बिनेशंस यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट लास्टली ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पे जो मिरर्स है छोटे छोटे उनके साथ यहाँ पे इसे डेकोरेट कर दिया। देखिए कितना प्यारा दिख रहा है ये। साथ ही मैं इसकी आउटलाइन भी मैंने कर दी है, जो हमने आंखें नहीं ड्रॉ की थी वो किया है वाइट एक्रेलिक कलर के साथ। और बापा के जो टस्क है वो मैं लगाना भूल गई थी, तो मैंने उसे भी यहाँ पे वाइट एक्रेलिक कलर के साथ ही पेंट कर दिया है। तो इसे आप देखिए कितना प्यारा बनते जा रहा है ये। आप इसे हैंग भी कर सकते हो। अगर आपने मेरे DIY वॉल प्लेट्स नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं यहाँ पे दे दूंगी, वो वीडियो ज़रूर देखिए। उसमें मैंने काफ़ी वैरायटी बताई है कैसे आप इसे वॉल डेकोर के हिसाब से हैंग कर सकते हो, या फिर आप इसे ऐसे ही आपके डेकोर के लिए भी यूज़ कर सकते हो। आप इसे ज़रूर बनाइए, गिफ्ट कीजिएगा, जिसे भी गिफ्ट करेंगे उसे बहुत पसंद आएगा, मुझे बताइए कॉमेंट सेक्शन में। एंड चलिए नेक्स्ट हमारा लास्ट DIY आज का, उसके लिए मैंने लिया है यहाँ पे ये एक बियर कैन। इस कैन को मैंने अच्छे से धो के साफ़ कर दिया था। अब इसका जो टॉप पार्ट है वो मैं सीज़र की हेल्प से निकाल रही हूँ। आपके पास अगर कैन कटर हो तो आप उससे भी कट कर सकते हो। तो इसके एजेस को स्मूथ करने के लिए मैं यहाँ पकड़ की हेल्प से जो शार्प एजेस है उन्हें यहाँ पे ब्लंट कर रही हूँ, और ये एजेस भी स्मूथ हो गए। और अब हम धीरे धीरे यहाँ पे आप एक होल करोगे इसके बॉटम में, और ये जो मेटल शीट है ना ये कैन की, ये बहुत नाजुक होती है, तो इसे आप अच्छे से इजीली कट कर सकते हो सीज़र के साथ। तो यहाँ पे मैंने इसे फोल्ड करना शुरू किया, रोल किया एंड इस तरह से मैंने फोल्ड कर दिया। सो बेसिकली वी आर सीलिंग द बॉटम ऑफ दिस कैन, एंड हम यहाँ पे फिर से ये पकड़ की हेल्प से इसे फ्लैट कर दिया है। सो सी हमारा एक कंटेनर काइंड ऑफ रेडी हो गया है। धीरे धीरे क्योंकि ये फट जाएगा, हाँ शीट, आपको पॉइंटी कोई भी थिंग लेके इसे होल बनाना है। एंड नेक्स्ट मैंने फिर से लिया है ये एल्यूमिनियम वायर, और उसे इस तरह से मैं एक एंगल दे रही हूँ। और फिर उसके बाद में ये देखिए ये शेप आने के बाद इसके जो एजेस है आपको इसे इनवर्ड्स फोल्ड करना है। तो मैंने यहाँ गलत बताया, किया है गलत, मैंने इसे आउटवर्ड फोल्ड किया है, बट नहीं, आपको इसे इनवर्ड फोल्ड करना है और आपको बाहर से अंदर इसे इस तरह से डालना है। तो देखिए एक हैंगर भी रेडी हो गया है हमारा इस कंटेनर के लिए। अब इसे हम लोग वाइट वॉश दे देंगे जेसो के साथ में, और जैसे ये जेसो ड्राई हो जाएगा आप जो चाहे वो यहाँ पे डिज़ाइन बना सकते हो। तो मैंने बेसिकली एक सिंपल डिज़ाइन यहाँ पे ड्रॉ की है एंड एक्रिलिक कलर्स के साथ मैं उस डिज़ाइन को भर रही हूँ। आपको मैं और आइडियाज़ देती हूँ, आप इसे सिंपल प्लेन बैकग्राउंड कलर कर दीजिए, उसके ऊपर छोटे छोटे से मिरर्स लगा दीजिए, या फिर आप डेकोपाज कर सकते हो, या फिर आप इसके ऊपर कुछ भी डिज़ाइन वाली लेस लगा सकते हो, या सिंपल एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग कर सकते हो। सो इट इज़ कम्प्लीटली एज़ पर योर विश। तो बेसिकली हम यहाँ पे एक टी लाइट कैंडल होल्डर यहाँ बनाए रहे हैं, या फिर आप इसे फ्लावर डेकोरेशन के लिए भी यूज़ कीजिएगा। तो मैं कैसे यूज़ करने वाली हूँ मेरे अगले वीडियो में आपको ज़रूर देखने मिलेगा। एंड देखिए मैंने और एक यहाँ पे पेंट कर दिया है। ये अगेन एक एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग है, कुछ नहीं, आप बस दो कलर्स लीजिए, एक साथ डिप कीजिए उसको एंड डोंट मिक्स देम, बट इसे पेंट करना शुरू कीजिए। तो ये हमारे ब्यूटीफुल से रोज़ फ्लावर्स यहाँ रेडी हो जाएंगे। तो जैसे ही हमारा ये बेस पेंटिंग ड्राई हो जाता है, मैं यहाँ फेविक्रिल का 3D कोन आउटलाइनर यूज़ कर रही हूँ और उससे मैं कुछ डिज़ाइंस बना रही हूँ। साथ ही मैंने यहाँ पे ये एक लोकल मार्केट से ख़रीदी किया हुआ 3D आउटलाइनर यूज़ कर रही हूँ। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं यहाँ नीचे दे दूँगी। तो रविवार पेट एक होलसेल मार्केट है फॉर ऑल दी आर्ट एंड क्राफ्ट लवर्स, आप जाके देख सकते हो।
एंड इफ़ यू सी यहाँ पे मेरा जो वर्क है थोड़ा सा नीट नहीं है, आई एब्सोल्युटली अग्री बिकॉज आई हैव सीवियर सीटीएस प्रॉब्लम इन बोथ माई रिस्ट. तो मैं अगर कुछ ऐसा बारीकी वाला काम करने लगूँ तो मेरे हाथ शिवर करते हैं. तो दैट्स ओके. पहले तो मैं काफ़ी सारे मतलब एक साथ में 10-10 हाथों में मेहंदियाँ लगाती थी, वो भी शादी वाली, एज आउट ऑफ पैशन. बट इट इज़ ओके, आई एम गेटिंग द ट्रीटमेंट फॉर इट. तो गाइज यहाँ पे ये हमारा ब्यूटीफुल सा बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट जो कि कैंस थे उसमें से एक ब्यूटीफुल सा ये एक टी लाइट होल्डर या फिर आप सिंपल एक वॉल डेकोर पीस बोल सकते हैं मैंने बनाया है. इसे भी वार्निश के साथ आप सील कीजिए. एंड यस, कैसे लगा ये वाला DIY ज़रूर मुझे बताइएगा. आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं और कुछ नया बनाने के लिए. सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन यू ऑल टेक केयर एंड यस, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड वॉच ऑल माई वीडियोज़. बाय बाय फॉर नाउ.